सभी का चंची किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सेब की खीर। इसके लिए मैंने चार सेब लिए थे, इन्हें कद्दूकस कर लिया है। आप देख सकते हैं सेब कद्दूकस करते करते ही थोड़े से कलर चेंज कर लिया। इसे मैं सीधा पैन में डाल दूंगी और इसको हल्का से हमें कहते हैं पकाना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम सेब को दूध में डाल देंगे तो जिससे हमारा दूध फट जाएगा। इसे हमें चलाते हुए जब तक हमारा सेब का कलर थोड़ा सा और चेंज ना हो जाए और उसका जो पानी है एक्स्ट्रा जो इसमें से सेब ने छोड़ा है, जब तक ये सारा पानी सूख नहीं जाता, हमें अपने सेब को तब तक पकाना है। सेब में हल्का सा बॉईल आने लगा है हमारे, इसे हमें चलाते हुए पकाना है जिससे सेब हमारा चिपके नहीं। और साथ में हमने अपना दूध रख दिया। आप देख सकते हैं मैंने आधा लीटर दूध लिया है, इसे गाढ़ा होने के लिए रख दिया है कि जब हमारा आधा लीटर दूध आधा रह जाएगा उस टाइम हम अपने सेब को इसमें ऐड करेंगे। सेब में काफी अच्छी तरह से बॉयल आने लग गया है। जब तक इसमें सेब हमारा पक रहा है, जब तक मैं अपने ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। ड्राई फ्रूट में मैंने, मेरे पास काजू ख़त्म हो गए थे तो मैंने बादाम और किशमिश लिए हैं। बादाम को मैं बारीक चॉप कर लूँगी। एक दो काजू हैं इसमें और सेब भी हमारा काफ़ी हद तक सूख चुका है। आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी हद तक पानी उठ चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। हमने इसमें ऐड कर दी चीनी, मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार जितना आपको पसंद है, और इसे भी मिक्स कर दूँगी। अभी चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। जब दोनों चीज़ों का पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा तब हम अपनी गैस को बंद कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। वह हमारा दूध भी गाढ़ा होने लगा है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं चीनी डालने से इसका कलर और चेंज हो गया है। हमारे सेब में चीनी भी काफ़ी अच्छी तरह से मैश हो गई है और ये धीरे धीरे करके सूखने लगा है। हमें जब तक इसे ड्राई करना है, जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और चिपके ना। यहाँ मैंने अपने ड्राई फ्रूट भी काटे हैं। अब मैं इसे दूध में डाल देती हूँ जिससे अच्छी तरह से हमारी गल जाए। एक बार से हिला देते हैं। हमारा सेब और ये जो चीनी है आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। आप देख सकते हैं इसमें तार से बने लगे हैं। मैं गैस को कर देती हूँ बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी जब तक हमारा दूध आधा ना रह जाए। उसकी जब आधा रह जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे और सेब की जो ये हमने बनाया है बैटर, ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए। हमारा दूध धीरे धीरे करके आप देख सकते हैं गाढ़ा होने लगा है। इसे हम अभी चलाते हुए और जो साइड में इसमें जो जम जाएगी दूध की मिलाई सी जो जमेगी वो भी हम इसमें मैश करते चले जाएंगे। खीर आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी पसंद है या पतली पसंद है उस हिसाब से, खीर बनने के बाद थोड़ी थिक हो जाती है, गाढ़ी हो जाएगी, उस हिसाब से आप बनाएं। हमने इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि हमने सेब में चीनी डाली थी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें भी थोड़ी चीनी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें जो हमारा सेब का जो मैंने बनाया है अब इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा दूध बिल्कुल परफेक्ट गाढ़ा हुआ था। जितने हमने सेब, चार सेब वगैरह लिए थे, ये बिल्कुल एक्यूरेट हो चुका है। अब इसे हम 5 मिनट पकाएंगे, उसके बाद हमारी खीर, सेब की खीर बनके तैयार है। अब इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे इलायची।
मेरे पास इलायची पाउडर ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसमें दो इलायची को हाथ से तोड़ के ऐसे ही डाल दे रही हूँ, जिससे इसका फ्लेवर इसमें अच्छी तरह से आ जाए। नहीं तो अगर इलायची पाउडर होता तो उससे और अच्छा फ्लेवर आता। इलायची हमेशा खोल के डालनी चाहिए, जिससे इसकी महक अच्छी तरह से जो भी चीज़ आप बना रहे हो उसमें चली जाती है। अब इसमें हम एक दो बॉयल आने देंगे बस, और फिर हमारी सेब की खीर तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आने लगा है। गैस को कर देंगे अब हम बंद, और फिर इसकी प्लेटिंग करके फिर आपको दिखाते हैं। हमारी सेब की खीर बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।